मैं खुद इनके साथ में पर्सनली पीडीआई करने गया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें टोपी पहना दी भाई साहब। तो इसी वजह से आपको बोलता हूँ कि अपने स्कूटर की जो है जांच अच्छे से कीजिए। तो उसमें 180 दिखा था। अच्छा, मतलब आपको रेंज 170 दिखाता है वो एक अपडेट की वजह से, और मतलब यही दूसरा स्कूटर अगर आपने देखा तो उसमें 180 दिखता है। दोनों का साउंड ऑफ सुन लीजिए, ओके, पूरी तरीके से सुन लीजिए, ओके, पार्टी मोड ऑन है भाई। जैसे आप बता रहे थे ट्रिप्सी वगैरह आपने की है, पर उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने पहले बुक कर लिया था स्कूटर, इनका आ चुका था, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम देखने मिले। वरना भाई सस्पेंशन का अगर इशू टूटता तो ये भी भाई लेते या नहीं लेते, क्योंकि भाई खुद एक कस्टमर है वही आपको ये सजेशन अगर दे रहा है भाई तो वो पागल नहीं होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडा व्लॉग। तो भाई अनिश भाई की डिलीवरी का वीडियो आप लोगों ने देख चुके होंगे। इनकी जो स्कूटर है भाई कम से कम इनको 8-10 दिन हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले अनिश भाई को वेलकम कर लेंगे अपने चैनल पर वंस अगेन। स्कूटर की जो कुछ खास चीजें हैं, कुछ बैड चीजें हैं, मतलब कि सारे कस्टमर जो भी अभी न्यू बायर्स हमारे लेना चाहते हैं भाई, उन्होंने ये स्कूटर लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज हम कुछ कई लोगों को चैनल पर जो है भाई मना कर चुके हैं जब तक इस स्कूटर का सेकंड या थर्ड लॉट नहीं आ जाता। इस बात में आपका क्या कहना है और ये जो स्कूटर लेके आप खुश हो या नहीं, ये सारी चीजें छोटा मोटा जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई प्रॉब्लम या अच्छा या जो भी आप बताना चाहते हो वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जी वो ओके, पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। जी जी चलो ओपन बेल्ट पे चालू कर लेते हैं। जी नॉइस बहुत था। ओके और वो जेनवन का जो था। जी 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 वो बहुत अच्छा था। अच्छा मतलब आपका कहना है कि इसका नॉइस आता है, जेनवन का ये बेल्ट बढ़िया था। ओके नेक्स्ट। और नेक्स्ट ये देखो। जी ये ओपन नहीं होता मेरा, अटकता। देखिए भाई अभी भी हम इसको खोल रहे हैं। देखिए भैया ये सही तरीके से खुली नहीं। देखिए 1 2 3 पूरा पुश किया है भाई, इसको पुश का फील भी करिए। देखिए यहाँ दबाओ तो फिर ये खुलेगा भाई, यानी बहुत ज्यादा ट्रिकी है। और यहाँ का फोम का टुकड़ा तो भाई ये कैप की वजह से शायद ये निकल चुका है। सस्पेंशन के बारे में आपका क्या बोलना है भाई, क्योंकि डिपेंड कर जाता है भाई कि आपका जो अभी ओपिनियन रहेगा कि आपका चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो हमारे साथ इसलिए सीरियसली शेयर कीजिए ताकि कई सारे लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। ओके ग्रुप में देखा था मैंने, ओके 4-5 लोगों का टूटा था। जी जी पर मेरा एकदम सही है, सही है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरे को लगता है एयर में डबल दे दिया पर इसमें डबल चाहिए। अच्छा कहने का मतलब ड्यूअल सस्पेंशन इज बेस्ट रहेगा ही हमेशा। ओके तो आपने इसको कुछ अलग तरीके से टेस्ट वगैरह किया, जैसे आप बता रहे थे ट्रिप्सी वगैरह आपने की है। ट्रिप्सी चला है पर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कभी नहीं गई। तो प्लेन रोड पे चला रहे थे या ऑफ रोड पे आप? हाईवे पे। ओके ओके तो कभी ऑफ रोड भी चला के देखिए और बहुत जल्द हम भी चला के देखेंगे तो भाई एक हाथ बार इसका ऑफ रोड टेस्ट भी कर लेंगे, अनिश भाई से रिक्वेस्ट कर दो। लेकिन भाई अगर देखा जाए तो इनका भी सही कहना है भाई कि अगर न्यू स्कूटर भाई टूटता है तो कम से कम एटलीस्ट कैसा है कि हमारे दिमाग में बातें जो है घर बना जाती है। जो कि भाई इन्होंने सिंगल सस्पेंशन इस बार दिया है वो गलत चीज़ है, जो कि ड्यूअल दे देना था भाई ये झंझट खत्म हो जाती है। ओके अब उसी के साथ भाई नेक्स्ट इशू अगर आपको कोई लगा है भाई तो ओके जी इतना खाते हैं मतलब सो है जैसा आपको पसंद है वो तो मैं भी हमेशा बता रहा हूँ भाई। देखो तो जैसा अभी पैनल का बड़ी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझ में आता है कि इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सो है और जैन वन के मुताबिक थोड़ी डाउनग्रेड है भाई। ओके लेकिन ये भाई मूवेबल है, जो कि थोड़ा दबा के देखो तो आपको पता चलेगा थोड़ा रिवर्स फेंक देती है। उसके बाद चलो ये तो भाई अपनी कारामात हो सकती है कुछ, ये नंबर प्लेट का तो कोई इशू नहीं माना जा सकता। मैंने कुछ किया नहीं पर जी जी मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं, जो कि छोटी मोटी चीज़ें भाई इसके लिए भी एक आपको रिबिट लगा लेनी होगी, एक नंबर का नट आएगा, जो कि भाई अगेन अच्छी बात नहीं है जबकि इन्होंने इस पर गार्ड भी लगाया है। और उसी के साथ भाई नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगा है तो जी 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 अपना क्रैक वाला। ओके भाई साहब तो देखो भाई यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है भाई, ये जो है मुझे अनिश भाई ने पिक भी भेजा था, जो कि भाई अगर आपको बताऊँ तो मैं खुद इनके साथ में पर्सनली पीडीआई करने गया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें टोपी पहना दी भाई साहब। तो इसी वजह से आपको बोलता हूँ कि अपने स्कूटर की जो है जांच अच्छे से कीजिए। देख सकते हो आप ये पूरी तरीके से क्रैक है, जो कि इनको जब डिलीवर्ड हुआ उसके नेक्स्ट डे ही हमें पता चला, जो कि अब इंश्योरेंस में तो हो जाएगा लेकिन अगेन गलत बात है भाई। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर माइनर सी क्रैक है, अगेन वीडियो में आप देख पा रहे हो या नहीं। ओके जो बहुत गलत बात निकल कर आती है भाई, लेकिन ये पैनल अब चेंज हो जाएगा। और कुछ भाई मेजर इशू आपको देखने मिला हो कुछ? तो कुछ लगा नहीं वैसे। ओके वही सस्पेंशन का है। तो उसके साथ में भाई रेंज वगैरह अभी तक कुछ निकाले हो? रेंज देखो तो वैसे मेरे को तो 100 की मिल रही है। 100 की? अच्छा मतलब आप किस तरीके से निकाले हो, जैसा डबल सीट भगा के? मैंने लिखा थी स्पोर्ट्स में। अच्छा 70 से 80 के स्पीड पे। अच्छा मतलब कि स्पोर्ट को आपने 70-80 के स्पीड से चलाया, ड्यूअल सीट चलाया। ओके तो वहाँ पे आपको इसने जो है रेंज दे दी 100 के आसपास। ओके बाकी आपने हाइपर वगैरह ज़्यादा नहीं चलाया अभी तक? ओके तो भाई भाई का बोलना है कि नॉर्मल और स्पोर्ट मोड का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें उनको 100 की रेंज आसपास स्पोर्ट में मिल रही है। हाइपर की देखो तो उसकी नीड नहीं है वैसे। अच्छा स्पोर्ट मोड में अपना काम हो जाता है। चलो ओके और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपको स्पोर्ट मोड में जो रेंज मिली है वो पूरी ड्रेन होने तक मिली है, या जो आप एवरेज बोल रहे हो कि भाई एवरेज मतलब आपका स्कूटर में थोड़ा सा बैटरी स्टिल था? ओके तो भाई यानी कि उससे ज्यादा भी रेंज शायद निकल सकती है भाई। डबल सीट में अगर ये बंदा 100 की रेंज निकाल रहा है जबकि इनका स्कूटर पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन उसमें इसका मतलब ये है कि उसमें रेंज भी और ज्यादा मिलेगी। ओके मेरे इसमें वर्जन है 3.1.2 जी, उसमें फुल चार्ज करने के बाद 170 दिखाता रेंज। अच्छा और इसके बाद एक वर्जन है 1.
3.1. जो भी एक अपग्रेड होगा उसका तो उसमें 180 दिखा था। अच्छा, मतलब आपको रेंज 170 दिखाता है वो एक अपडेट की वजह से, और मतलब यही दूसरा स्कूटर अगर आपने देखा तो उसमें 180 दिखता है, शायद से वो बढ़ जाए बाद में। अच्छा नहीं, फिर अगर वो अपडेट में होगा तो हो जाएगा। तो इसमें इनका कहना है भाई कि इसके अंदर जो है 170 इनको रेंज दिखाता है, और जो एक जेन 2 है जिसमें कि एक 0.1 से अपग्रेडेड स्कूटर उसमें 180 किलोमीटर की रेंज आती है भाई साहब। ओके, जो कि ये भी बहुत छोटी मोटी गलत बात हो जाती है भाई, जो कि अच्छा नहीं लगता है भाई ये, क्योंकि अगर भाई दे रहे हो तो एक अपडेट पूरे लोगों को दीजिए, क्योंकि भाई अभी तो आया है ना स्कूटर, ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ओके, तो उसके साथ में यहाँ तक तो सारी बातें हो गई अनिश भाई हमारी। अब मुझे एक बात बताइए, स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है भाई उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एकदम टॉप नॉच है। ओके, तो देखना ही नहीं पड़ता है ना, तो भाई वाकई में भाई स्कूटर चलाने में तो बहुत मजा आता है जी। हाइपर मोड पे है ना एकदम बैटरी डाउन हो जाती है ना, उतना सही नहीं है। सही नहीं है। ओके, यानी कि आपका कहना है नॉर्मल और स्पोर्ट मोड बेस्ट है, मतलब कि सिटी और हाईवे पर्पस भी पूरा हो जाएगा। ओके, तो भाई उसके बाद में आपने जो ट्रिप्स वगैरह खींचा उसमें कहीं परफॉर्मेंस लैग लगा आपको? नहीं नहीं, एकदम सही है। ओके, पेट्रोल स्कूटर है ना सेम टू सेम, और उससे भी ज्यादा परफॉर्म है आई थिंक मेरे हिसाब से तो। ओके, तो उसके साथ में चढ़ाई वगैरह सब कुछ करके देखे हो भाई ओवरऑल? ओके, कोई इशू नहीं। ओके, तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट कई सारे लोगों का सवाल आता है भाई कि म्यूजिक स्पीकर सुना के दीजिए भाई साहब, तो म्यूजिक स्पीकर भाई जो है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ऑलरेडी भाई आपने हमारे स्कूटर के सुने हैं तो उसका जो है थोड़ा लाउडर है आप बता रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? चल जाएगा मतलब, लेकिन S1 Air में जो सिंगल था उससे तो बेटर ही है, यानी कि उसमें भाई सिंगल आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा ही जो म्यूजिक की जो आपका एक्सपीरियंस है भाई वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बट इसमें 2 है, भले ही थोड़ा बेस कम है लेकिन सही तरीके से आ जाता है। तो भाई आपको म्यूजिक भी एक बार सुना के दिखा देता हूँ, और जो भाई इसका क्वालिटी है ये भी आपको एकदम पास से सुना देता हूँ, दोनों का साउंड ऑफ सुन लीजिए। ओके, पूरी तरीके से सुन लीजिए। ओके, पार्टी मोड ऑन है भाई, बहुत ज्यादा लाउड साउंड है भाई इसका S1 Air के मुताबिक, और जो लोगों का भी डाउट है वो बिंदास हो जाइए, देख लीजिए भाई। ओके, अगेन कह रहा हूँ भाई दोनों स्पीकर चालू है। ओके, पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया हूँ, कान लगा के भी सुन चुके हो। तो अनिश भाई फाइनली दो स्पीकर चालू है, एक बार डन कर दो। तो भाई अभी साउंड को बंद कर दीजिए। अब मुझे ये बता दीजिए भाई कि सर्विस वगैरह से आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी तक कोई सर्विस वगैरह पे स्कूटर गया है? अभी तक मेरी तो एग्जाम चल रही थी। ओके भाई, उसका आवाज आ रहा है इधर उधर से, दो चार आवाज आ रही है। अच्छा, कौन से? यही जो बॉडी पैनल वगैरह नॉइस ब्रेक का है, वो बेल्ट का है थोड़ा। जी जी, उतना चल जाता पर एक बार सर्विस पे दिखा दूंगा। जी जी, हमारे यहाँ सर्विस एक नंबर है। बढ़िया बढ़िया भाई, नहीं अपने यहाँ सर्विस तो बहुत अच्छी है भाई, और अगेन भाई जहाँ सर्विस अच्छी है वहाँ पे ओला का कोई दिक्कत नहीं आता ज्यादा भाई। लेकिन अगेन एक बात बताऊंगा आपको, थोड़ा सा 100-200-300 किलोमीटर में ऐसे नॉइस वगैरह आ जाना भाई क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में जो कस्टमर को है डरा देता है कि भाई ये स्कूटर आगे चलेगा या नहीं। बस बाकी भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉइस आपको फर्स्ट टाइम आते हैं वही स्टिल फॉरवर्ड रहते हैं। आखिरी तक मैंने भी अपना स्कूटर जेन 1 16,000 चलाया, और बाकी भाई इसका टेस्ट राइड रिव्यू वगैरह तो मैंने आपको चैनल पर सारे कुछ दिए भाई, इसके कलर दिखा चुका हूँ, टेस्ट राइड भाई की डिलीवरी वगैरह भी वीडियो था, जो कि हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई आप लोगों के साथ में हम चैनल पर शेयर करना चाहते थे, जो कि भाई जेन 2 के लिए अगेन मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन नहीं है जब तक भाई ये स्कूटर का सेकंड थर्ड लॉट नहीं आ जाता, जो कि अनिश भाई ने भी बोला है, क्योंकि भाई इन्होंने पहले बुक कर लिया था स्कूटर, इनका आ चुका था, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम देखने मिले, वरना भाई सस्पेंशन का अगर इश्यू टूटता तो ये भी भाई लेते या नहीं लेते भाई? डिस्पैच हो गया था भाई, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो आप ये मत समझिए भाई कि हम आपको मना कर रहे हैं और अपन ही स्कूटर लेके घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजों की जो नीड होती है वो अलग होती है, इनका स्कूटर पहले डिस्पैच हो चुका था जैसे कि इन्होंने बताया। और एक बात बताऊंगा जी, अनिश भाई बोलिए। अनिश भाई का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, बेल्ट का हो गया था ना? जी जी जी, ग्रुप पे सॉल्व हो गया था। जी जी भाई, अनिश भाई भी अपने ग्रुप में, भाई इनका कहना है ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो कि भाई बाकी सारे लोगों की उसमें हेल्प होती है, क्योंकि ग्रुप भाई हमारे फायदे के लिए नहीं होता, आप लोगों के लिए होता है जिसके लिए हम बोल रहे हैं। अनिश भाई और भी कुछ जाते जाते वीडियो में आपको कुछ बताना है भाई, जो कि आपसे कुछ छूट गया हो, जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हो जो आपके हिसाब से देने की हो, ये स्कूटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और प्रॉपर थोड़ा रीजन के साथ बता दीजिए। ओके जी, मेरा अच्छा आ गया। जी जी जी, प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक। ओके ओके, रुक जाइए जी, अदर ब्रांड के लिए चल जी, ये ज्यादा बढ़िया होगा, जब तक यानी इसकी चीजें सॉर्टेड हो गई तो ले लीजिएगा, अदरवाइज इनका कहना है भाई कि थोड़ा सा रुक जाइए, फिर अदर ब्रांड आपके लिए बेस्ट होगा, जो कि भाई खुद एक कस्टमर है वही आपको ये सजेशन अगर दे रहा है भाई तो वो पागल नहीं होगा, जो कि उनको भी ये सारी चीजें समझती है कि स्कूटर में क्या ड्रॉबैक है क्या नहीं, और एक अपन यूथ है भाई तो अपन सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं, अगर ये स्कूटर मॉम डैड के पास हो भाई तो आप इमेजिन कीजिए उनको कितनी प्रॉब्लम जा सकती है ना। तो भाई कहीं अगर रास्ते में बंद गिर गया मॉम डैड है, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो भाई ऐसा ग्लिच वगैरह मेरे हिसाब से उनको तो समझ में नहीं आएगा भाई। S1 Air मेरे हिसाब से फैमिली के लिए बढ़िया रहेगा, है ना, शादी वाला है ना, जो कि भाई वो स्कूटर, और भाई कल S1 Air का भी रिव्यू आपने देखा होगा, उसका भी पासवर्ड भाई कितना अजीब है। तो भाई ये सारी चीजें ऐसी, अगेन चलो अब ईवी में हमेशा ओला ने हमें न्यू फीचर्स दिखाया है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भाई अभी अगर देखा जाए तो 400 किलोमीटर स्कूटर को पूरे हो गया है, अपने सामने अनिश भाई ने जो इनका एक्सपीरियंस रख दिया है, जो कि भाई फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना वीडियो में जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो अगर कुछ 19-20 हो जाए हमसे इधर उधर निकल जाए भाई तो माफ कीजिए, और कुछ भी चीज इसमें बच जाती है भाई अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई बहुत जल्द मैं खुद पर्सनली आपको दूंगा। तो भाई ये सारी छोटी मोटी चीजें हमारे सामने निकल कर आती है, जो कि भाई सस्पेंशन का तो मुझे खुद पर्सनली भी बहुत गलत लगा है, अदरवाइज छोटे मोटे ग्लीचेस आना जेन 2 में शोभा नहीं देता। तो ये कुछ रिव्यू निकल कर आ गया भाई, ऐसी कुछ सारी चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर रखें, और भी भाई रेंटेस्ट वगैरह भी हम चैनल पर बहुत जल्द लाएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।